गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन में अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे, बाल दिवस। पिछले हिंदी व्याकरण के पीरियड में मैंने आपको जो अनुच्छेद लिखाया था वो क्या था? पुस्तकालय। आज हम पढ़ेंगे बाल दिवस। बाल दिवस यानी बच्चों का दिन कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाल दिवस मनाने के पीछे भी एक कारण है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत स्नेह था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे, इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित कर दिया। इस दिन सभी विद्यालयों में बाल सभाओं का आयोजन किया जाता है और तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अध्यापक अध्यापिकाएं भी विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। चाचा नेहरू अपनी शेरवानी में गुलाब का फूल लगाते थे, जिसे वे बच्चों का प्रतीक मानते थे। उन्हीं चाचा नेहरू को बच्चे प्रतिवर्ष याद करते हैं और बाल दिवस मनाते हैं। तो इस बार आप बाल दिवस के साथ क्या मनाने वाले हो? दीपावली का त्योहार भी मनाने वाले हो, एक ही दिन पड़ रहा है। तो आज आपको कॉपी में ये अनुच्छेद लिखना है और इसे लर्न भी करना है।